तो करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शक्ति के प्रतीक पवित्र नवरात्रि पर्व के मौके पर इंडोर स्टेडियम कवर्धा में आयोजित एक दिवसीय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तरीय भव्य आवास मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए हैं। जिले के 18,000 से भी अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को उनके नए स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत पत्र वितरण कर सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पारंपरिक संस्कृति से भी चरण पाखर कर ग्रामीण परिवारों का सम्मान कर स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने आवास मेले में कबीरधाम जिले के 12,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी और पूर्णतया प्रमाण पत्र भेंट किया है। जिले में विगत कुछ ही समय में 12,000 से अधिक पीएम आवास पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 250 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता पूर्ण आवास निर्माण के लिए शपथ दिलाई है। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच कर्मचारियों संस्थाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के असाक्षर को साक्षर बनाने के उद्देश्य से भी अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री ने आवास जागरूकता पर आधारित पोस्टर का विमोचन किया है और आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप, लीड बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए कैंप और खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड आदि के लिए स्टॉल लगाया गया है। रायपुर के तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले युवाओं को चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बताते चले कि संस्कृति स्व सहायता समूह द्वारा यहां पर संचालित कैंटीन में सभी कुछ मौजूद है। मंगलवार को तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवाओं से चर्चा करते हुए यहां से फरा चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद लिया। उन्होंने इनके स्वाद की तारीफ भी की। उप मुख्यमंत्री साहब ने तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के साथ ही स्व सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन के इंतजाम का भी जायजा लिया है और उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर यहां पर बनाए जाने वाले व्यंजनों, उनकी बिक्री और आमदनी की जानकारी ली है। रायपुर नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह को यहां पर कैंटीन के संचालन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई। इसमें जहां पर स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है तो वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले युवाओं को कम दरों पर चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन सुलभ हो रहा है। यहां पर चिल्ला और साथ ही फरा, ठेठरी, खुरमी जैसी छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ मैगी, सैंडविच और साथ ही दाल, चावल, रोटी इत्यादि बनाया जाता है। वे टिफिन सर्विस भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी खर्चों की कटौती के साथ समूह को हर महीने 35,000 से 40,000 रुपए की आमदनी हो रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आज 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत 25 साल की सेवा पूर्ण करने वाले 32 अभियंता, 10 साल की सेवा पूर्ण करने वाले 388 अभियंता और 8 साल की सेवा पूरा करने वाले एक अभियंता शामिल हैं। इन अभियंताओं में उप अभियंता,
सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता शामिल हुए हैं। सूचना के मुताबिक पिछले 4 से 5 सालों में वेतन लंबित था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने के निर्देशों पर अभियंताओं को समयमान वेतन का लाभ मिल रहा है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को दूधाधारी मठ रावण भाटा में, आपको बताते चलें कि सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया है और आगामी विजयादशमी महोत्सव की तैयारियों को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की गई है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दशहरा उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, सीएसआईबी, पीडब्ल्यूडी और आपको बताते चलें कि पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है। दशहरा उत्सव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आने वाले वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से दशहरा उत्सव के दौरान बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त जनरेटर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सही से बैरिकेडिंग करने के लिए कहा गया, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। खबर रायपुर से है, जहां पर दशहरा उत्सव स्थल पर भूमि पूजन किया गया है और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भूमि पूजन किया है। विजयदशमी की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को दूधाधारी मठ रावण भाटा में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया। आगामी विजयदशमी महोत्सव की तैयारियों को दुरुस्त करने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दशहरा उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, सीएसआईबी, पीडब्ल्यूडी और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है। रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की सचिव निहारिका बारिक ने कलेक्ट्रेट परिसर में रेड क्रॉस सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रभारी सचिव निहारिका बारिक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्य बनी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्यों की प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने जानकारी ली और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया जाए, इससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। सभी सक्षम अधिकारी समय समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर उनका निपटारा भी करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के मुख्य मार्गों में होने वाले सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को लावारिस मवेशियों के सींग में गुणवत्ता युक्त रंग लगाने के निर्देश दिए। इससे वाहन चालकों को रात के अंधेरे से दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसानी से नजर आए। खबर रायपुर से है, जहां पर प्रभारी सचिव ने विभागीय समीक्षा की है और राजस्व अभिलेखों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन और सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही लवारिस मवेशियों के सींगों को रंगे जाने का प्रस्ताव रखा गया और नशा मुक्ति केंद्र में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है। दरअसल सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से आने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पशुधन विभाग को लावारिस मवेशियों के सींग में गुणवत्ता युक्त रंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं और इस वाहन चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसानी से नजर आ जाएंगे। खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बिना किसी कठिन परिश्रम के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि हम इतिहास के महान लोगों के जीवन को देखें तो उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और समर्पण जुड़ा हुआ है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा राजधानी के जे आर दानी स्कूल में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शैली क्रीड़ा
प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे हैं। विगत चार दिनों से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी संभागों के स्कूल के 1790 खिलाड़ी 300 कोच शामिल हुए हैं। इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिया गया है। मंत्री वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। राज्य स्तरीय शल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और जहां पर जेआर दानी स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। 24वीं राज्य स्तरीय शल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन अब हो गया है। रायपुर संभाग को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिया गया। प्रतियोगिता में 1790 खिलाड़ी और 300 कोच शामिल हुए हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जन संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सिविल लाइन पहुंचे हैं, जहां न्यू सर्किट हाउस मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए और कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि विषय पर चर्चा की गई है और सहकारी बैंक द्वारा, आपको बताते चलें कि 8 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 8,36,597 किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से रुपए किसान क्रेडिट कार्ड, नीलम चौहान को अनुपमा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 महीने में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघु वनोपज समिति और दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है और मल्टीफंक्शनल सोसाइटी के मॉडल, बायलॉज और समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ म्यू थाई एसोसिएशन की भारत में मान्यता प्राप्त संस्था यूनाइटेड म्यू थाई एसोसिएशन इंडिया द्वारा सीनियर महिला पुरुष वर्ग की एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप ताइवान में भाग लेने 8 खिलाड़ियों और एक अधिकारी वाले 9 सदस्यीय भारतीय म्यू थाई दल की घोषणा की गई है। भारतीय म्यू थाई दल म्यू थाई फेडरेशन के महासचिव श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में 16 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से ताइवान के लिए रवाना होगा और एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 23 अक्टूबर 2024 तक ताइवान में किया जा रहा है। कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले और पंडरिया के पूर्व प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के उपस्थिति में 9 सूत्री मांगों को लेकर शक्कर मिल का घेराव किया गया है। घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी रहे नीलू चंद्रवंशी ने कहा कि शक्कर कारखाना पंडरिया के एमडी सतीश पाटले ने पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ मिलीभगत कर रिकवरी राशि 11 करोड़, आपको बताते चले कि 61 लाख रुपए का और साथ ही 12.21 करोड़ रुपए की शक्कर की चोरी छिपे बेचकर कुल 23.82 करोड़ का भारी भरकम घोटाला करने का आरोप लगाया है। विधानसभा प्रत्याशी रहे चंद्रवंशी ने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जानकारी होने के बाद भी सरकार द्वारा इस बड़े घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रवंशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश सहित प्रदेश के दूसरे शक्कर उत्पादक कारखानों में रिकवरी दर में वृद्धि हो रही है तो फिर पंडरिया शक्कर कारखाना में रिकवरी दर में कमी आना किसी के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निश्चित रूप से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है और यही वजह है कि आज करोड़ों के इस घोटाले की बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में यहाँ के एमडी और यहाँ के विधायक दोनों ने मिलकर के बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, जिसका ताजा उदाहरण है कि फैक्ट्री का सरेआम केबल चोरी हो जाता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और
किसानों की रिकवरी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। 23 करोड़ का भ्रष्टाचार किसानों की रिकवरी करने हुआ है, 23 करोड़ किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठ नहीं दी। किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी नींद में सोई हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार नींद में। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट एवं गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। ये कहना है भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 2025 में प्रस्तावित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की मेजबानी का एक अच्छा अवसर मिला है। ये कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, साथ ही अवसर होगा कुछ अच्छा करके दिखाने का। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव समय पर होगा या फिर नहीं, इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा गया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, हमने एक समिति का गठन भी किया है और सरकार की ओर से पूरी तैयारी भी कर ली गई है। देखिए, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है, दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है, समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के सामान्य प्रसव की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध थी, किंतु उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अक्सर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। वर्तमान में स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से अब जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है और सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होने से अब गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन सेक्शन का लाभ मिलने के कारण जिले के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जैसे कि भरतपुर की गर्भवती महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। कबीरधाम जिले में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी द्वारा पैसे के साथ साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया है। सूचना के मुताबिक महिला अपने पति की रिहाई कराने के चलते अंधविश्वासी बाबा के जाल में फंस गई है। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर महिला से ठगी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नैनपुर जिला मंडला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला को उसके पति की जेल में रिहाई का झांसा देकर करीब 6 महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। करीब 3 लाख रुपए की ठगी भी की गई है। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने थाना कोतवाली आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। चोरी नकबजनी के मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पटले और साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों द्वारा पेट्रोलिंग और सूचना एकत्रित कर संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों को पकड़ने मुखबिर लगाए गए हैं और इसी क्रम में 7 अक्टूबर को प्रार्थी किशोर सामतानी निवासी विजय शॉप ने रिपोर्ट भी दर्ज की है।
वो अपने परिवार के साथ गांधी उद्यान सिविल लाइन मॉर्निंग वॉक में गया था। लगभग 9:30 बजे वापस आया तो देखा कि घर के मेन दरवाजे का ताला लगा था और साइड दरवाजा खुला हुआ था। रूम के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला था, सामान अस्त व्यस्त था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर जिले के अलग अलग कॉलोनी से सोना चांदी और नकदी रकम चोरी करने वाले अंतर्राज्य चोर गिरोह का रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा कि ये चोर चोरी की पूर्व रेखी कर घटना को अंजाम देते थे और सरगना किरण और बबन पटेल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों के कब्जे से चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार, स्कूटी वाहन, लोहे का चाकू, एक नग पिस्टल, 3 कारतूस, 2 नग मैगजीन, लोहे का कटर इत्यादि जब्त किया गया है और जब्त मशरूका की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूरा मामला सिविल लाइन थाने के क्षेत्र में दर्ज है। श्री राम अपार्टमेंट और न्यू राजेंद्र नगर के कुशाभाऊ ठाकरे कॉलोनी, वहां दो जगह और यहां पर भी कटोरा तालाब में दो मकानों का ताला टूटा था। दिन को 29 तारीख को यह घटना घटित हुई थी। इसमें तत्परता से काम करते हुए थाना सिविल लाइन की और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा दो आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक किरण बब्बन पाटिल और एक संदीप भोसले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुणे के रहने वाले हैं। दो अन्य आरोपी भी इनके साथ थे जो फरार हैं। दो आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, राड, एक स्कूटी और एक टाटा हैरियर कार और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के ताला तोड़ने के औजार और नगद रकम और एक पिस्टल जिसके 3 जिंदा कारतूस और 2 इसके मैगजीन और चाकू वगैरह बरामद किए गए हैं। ये घटना में प्रयुक्त हुए थे ये सभी औजार और वाहन, जिनको जब्त किया गया है। ये सभी पुणे के रहने वाले हैं, जिसमें किरण बब्बन मुख्य आरोपी है, जो यहां पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ धमतरी जिले के छाती गांव में शादी करके रह रहा है। ये मुख्य रूप से ये व्यक्ति गांजे का तस्कर है। गांजे के तस्करी के दौरान ही उस महिला से, जब वहां की एक महिला से इसका संपर्क हुआ था और उसके साथ शादी करके रहने लगा और यहां पर घटनाओं को अंजाम दिया है। और इनके दो साथी हैं, ये भी इनके पूर्व परिचित हैं, जिसको ये बुलाया और सभी पुणे के ही हैं और इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। इसमें किरण बब्बन लूट, चोरी, डकैती और गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है और इसको आज पकड़ा गया है और इनके पास से 20 लाख के आसपास का मसरूका बरामद किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये जो पिस्टल है, इसको ये डराने के हिसाब से और यथा जहां भी जरूरत पड़े, यदि उन घिर जाए तो उस दौरान ये हवा फायरिंग कर गए या किसी व्यक्ति पर फायरिंग करने के लिए इसको रखे हुए थे। वैसे ही चाकू को भी रखे हुए थे, अगर अचानक कोई जाग जाए या कोई इनको पकड़ ले या पकड़ने का प्रयास करे तो इसका उपयोग करें। लाभ उठे में इतना ही। नमस्कार।